मौजूदा वक्त में HIV एड्स दुनिया के कुछ बेहद गंभीर पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस में से एक है, क्योंकि करीब 4 करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित हैं। सिर्फ 2021 में ही 15 लाख लोग HIV इन्फेक्शन से ग्रसित हुए थे। इतना ही नहीं, इस बीमारी ने 2021 में 6.5 लाख लोगों की जानें ले ली थी। 1981 में इस बीमारी की खोज के बाद से अब तक एड्स वायरस से 8.42 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वर्तमान में HIV संक्रमण के 2/3 मामले सिर्फ अफ्रीकी देशों में है। ये आंकड़े HIV एड्स की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। खोज के 40 साल बाद भी HIV एड्स दुनिया के सामने हेल्थ से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब भी एड्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात होती है तो हमारे दिमाग में महिला और पुरुष के संबंध आ जाते हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या समलैंगिक संबंधों में भी STD का जोखिम होता है। बीते कुछ सालों में LGBTQI के बढ़ते वर्ग के चलते ये सवाल और एड्स का खतरा और भी गंभीर हो गया है। इसी बीच महाराष्ट्र के नागपुर में हमसफल ट्रस्ट ने हाल ही में LGBTQI समुदाय के लिए भारत के पहले HIV उपचार केंद्र और समग्र क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ये केंद्र मुफ्त परामर्श देगा और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART प्रदान करेगा। बता दें कि ये समूह पिछले 20 सालों से समलैंगिक पुरुषों, यौन कर्मियों और ट्रांसजेंडरों के बीच ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। गौरतलब है कि भारत की एक बड़ी आबादी एड्स की भयानक बीमारी का शिकार है। भारत में HIV का पहला मामला 1986 में सामने आया था। इसके बाद देश भर में यह संक्रमण तेजी से फैला। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम यानी NACP की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की वजह से ही 2012 में देश के युवाओं में वार्षिक आधार पर एड्स के नए मामलों में 57% की कमी आई। हालांकि देश में अभी भी 15 से 49 साल के करीब 25 लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत को इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त होने में अभी और लंबा वक्त लगेगा। यहां बड़ी विडंबना ये भी है कि इतने सालों बाद भी इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज नहीं मिल पाया है। हालांकि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के जरिए वायरस को फैलने से रोका जा सकता है और HIV संक्रमित व्यक्ति लंबे वक्त तक जिंदा रह सकता है। 2021 में 2.87 करोड़ लोग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग कर रहे थे। इससे संक्रमित एक बड़ी संख्या को अभी भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मिल नहीं पाई है। ऐसे में बचाव ही इस बीमारी का एकमात्र इलाज है और LGBTQI समुदाय में HIV के प्रचार प्रसार को रोकने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम सफल ट्रस्ट का ये कदम वाकई सराहनीय है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।